हाथ छूटा तो पूरा कलर नीचे ब्लैक हो गए। अब इसके बाद डायरेक्ट सिल्वर होएगा ना सूखने के बाद, तो हार्डली ये 5 मिनट। सो गाइस, चार दिन नहीं कह सकते, 2 दिन पहले एक ही झटका लगा कि मेरे GoPro का बैटरी गुम हो गया। मैं ये बैग लेके आया था और इस बैग का देखो ये वाला चेन खुला ही छोड़ दिया था, अच्छा हुआ इसमें से GoPro नहीं गिरा। ओके, सो अब इस चेन को लगा दी। सो जैसा आपने कल वाला ब्लॉग देखा भाई, कार फाइनली यहाँ पे पेंट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी कार पेंट हो गई। अब भंगार गाड़ी बोलना मत उसे। ओके, और बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे कि कितने में हुआ पेंटिंग का काम, ये वो। भाई देखो, ये एक्चुअल रियल रेट है लेकिन ये हमारा अलग रेट है। तो देखिए, वहाँ पे धूप में कार खड़ी है बिकॉज क्योंकि ये कार यहाँ पे आ गई, तो अभी ये जाएगी तो वो कार आएगी और उसमें 2-3 काम करने हैं। एक हाथ से इसको लेना तो अभी मुश्किल है भाई। कार को अगर पेंट करना हो यस तो कितना खर्चा जाता है? 40-50 हज़ार जाता है। मारुति सस्टम जो मारुति अल्टो है उसको पेंट करना पूरा कितना जाता है? जाता है 30-35 हज़ार जाता है। पेंट करना है तो जाता है 20-30 हज़ार रुपये जाता है। 20-30 हज़ार जाता है भाई। तो ये हल्की सी झलक है जो आपने कल GoPro वाले कैमरे से उतना नहीं दिखा रहेगा, अभी ये दिख रहा है कलर यहाँ पे। सो आज इसमें 3 काम होने वाला है। जो आरिफ लग चुका है, इसका हेलीकॉप्टर खोल दिया पूरा, इसका ये निकाल दिया जिसको आज हम कलर करने वाले। ये बम्पर भी निकालने वाले, चार टायर भी निकालने वाले जिसको हम सिल्वर करेंगे। और सीट का तो भाई सीट वाला आ रहा है भाई, देख गलत मत फिट कर देना। साइड में रहेगा, सिंगल साइड में रहता है लाल वाला। हाँ, लाल वाला बीच में, लाल बीच में ना, गलत ना हो जाए भाई। यहाँ पे चारों व्हील खुलने की पहले प्लानिंग हो चुकी है। एक बस एक व्हील खाली मुझसे खुला, बाकी व्हील में तो हालत बिगड़ गई मेरी। हाँ, कहाँ पे स्क्रैच मारा? हट, थोड़ा सा स्क्रैच होगा भाई। अभी ये एक ऐसा चार लगाएंगे, मतलब एक एक वहाँ पे सेम चार जैसा व्हील जैसा चार, कि ये हवा में रहेगा। कहाँ पे लगा रहा है ये, क्या जगह है इसका? चेचिस पे। अच्छा, चेचिस में लगा रहे हैं। मुझे ये एक एक्स्ट्रा पाइप दिया रहेगा पीछे कैसे, इसमें एक एक्स्ट्रा पाइप है। तो देखिए पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक पाइप है। सो ये टाइप 2 मॉडल की कार है ना। सो नीचे से भी पेंट मारना बाकी है, वो हम बाद में। तो इसका ब्रेक नहीं बना सकता क्या? बना सकता है ना क्यों? सारे दोस्त मतलब बोले तो भाई, जितने भी आजू बाजू मेरे हैं ना, कम से कम कितने मैकेनिक लोग हैं कार मैकेनिक? 8-10 मैकेनिक लोग हैं। और पेंटिंग वाले अगर पैसा लेते हैं पेंटिंग का तो वह ऐसे ही नहीं लेते भाई, घिसते हाथ का क्या क्या घिस जाता है ना। और जब पेंट करने मतलब घिसने बैठोगे ना तो ही मालूम पड़ेगा। पिछले 3 घंटे से बैठ के बस वो 4 चक्का घिस रहा था, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि कैमरा उठाओ और आपको दिखाओ, क्योंकि हाथ वाथ सब गंदा हो गया था। सबसे पहले तो हमारा हाथ देखो कि कितना मस्त एकदम गोरा गोरा चिट्टा हो गया, दिख रहा आपको? ये ना पानी में हाथ रख रख के घिस घिस के एकदम चमक गया है, इससे पॉलिश पेपर घिस रहे थे। वही देखिए, इतना घिस दिया है कि एकदम चमकने लगा है ये। ओके, अगर ऐसे भी फिटिंग कर दिया तो ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा, मस्त चमकेगा। बस इसको थोड़ा सा अच्छे पानी से धोना है, उसके बाद तो सीधा पेंट होएगा, ये डायरेक्ट पेंट होएगा। ये देखिए, ये भी है तो एकदम शाइनिंग मारने लगा। अब मुझे घसना है, इसको घसना है और आगे वाले को घसना है। तो कैमरे के पीछे अब उन बैठा नहीं है, कैमरे के पीछे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी इसको क्या पेंट करना है तो देखिए, पूरा पेपर से ये चिपका रहे कि भाई टायर पे अगर पेंट लग गया तो भाई जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाएगा। मतलब पेंट तो हो जाएगा, बाद में थिनर लेके साफ करो तो डबल काम हो जाएगा। उस काम को छुपाने के लिए पेपर से छुपा दो, ऐसे पेपर से छुपा देंगे तो इजीली काम हो जाएगा। ये बस जल्दी पेंटर हो जाए या पेंट जल्दी हो जाए। अब शोरूम में तो काम कर नहीं रहे कि चेहरा थोड़ा क्लीन रहेगा, रफन टफन जगह पे काम कर रहे हैं, चेहरा देखो कैसा हो गया काम कर करके। इस चारों टायर पे पेपर लगा के चुप रहे, तेज से ज़्यादा वाला हार्ड काम कर रहा हूँ मैं।
नट वट भाई नट वट कसना बहुत आसान है लेकिन टायर पे पेपर चिपकाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आ जाए, वहाँ पे आ जाता। नहीं मेरे कपड़े थोड़े से आज साफ सुथरे दिखने चाहिए। इसका सिग्नल सिग्नल ये पूरा कवर हो चुका है यहाँ पे और शाम भी हो चुका है, 5 बज गया। लास्ट में हमारे ये भाई यहाँ पे लास्ट काम कर रहे हैं, पीछे का भी यहाँ पे काम हो गया। फिर हम इसमें मारने वाले ब्लैक, देन उसके बाद इसमें भी ब्लैक पूरा मार देंगे कि इसको थोड़ा सा ब्लैक मार रहे कि प्रॉपर वो बाद में सिल्वर है जो अच्छे से दिखेगा। ओहो लगता है मुझे दूर जाना पड़ेगा, लेंस पे आ रहा है वो पूरा। चारों जो है व्हील ब्लैक हो गए, अब इसके बाद डायरेक्ट सिल्वर होएगा ना सूखने के बाद, तो हार्डली ये 5 मिनट 10 मिनट में सूख जाएगा, उसके बाद ये सिल्वर होएगा। अब बारी है बम्पर की, सो यही है भाई, फटाफट पेंट मार के इसमें लगा के इंस्टॉल करके देखना कि भाई व्यू कैसा दिखेगा, कहीं ख़राब तो नहीं, क्योंकि ये सब फिट करने के बाद हमें कुछ और आइडिया आ सके, कुछ और कर सके इसमें जो हम करेंगे, एक बार ये रेडी हो जाए। सो ये जो देख रहे हो ये ब्लैक मैट कलर, मतलब मैट मार रहे, फिर मैट पे कैसा हार्डनर मार देंगे, क्या थिनर ना सिल्वर मारेंगे रे, ब्लैक पे थोड़ी ना मारेंगे, इस पे ये मारेंगे ना हम लोग, लेकर मारेंगे तो ज़्यादा शाइनिंग मारेगा। तो ये ब्लैक है जो 80 रुपये का 200 ml का मिलता है। सो और बनाना फिर ख़त्म हो जाएगा, हो जाएगा। तो पीछे जस्ट अभी ब्लैक मारा है, तो ब्लैक में देखो कैसा मस्त है, एक ही लेयर में शाइनिंग आ गया। अभी इसमें हम लोग 2 बार मारेंगे तो और ज़्यादा दिखेगा। हाँ ये है कि कहीं कि हमने लंबी नहीं लगाया, अगर लंबी का प्रोसेस करते तो और ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता, तो वैसे भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा रफन टफन भी दिखना चाहिए। सो ब्लैक, इस पर आएगा सिल्वर ये होने के बाद। यहाँ पर जो भी हमको छोटा मोटा कम पड़ रहा है ना, बाजू वाले के दुकान से हम लोग ढाप रहे यहाँ से, अभी यहाँ तो थिनर ही नहीं है इसके पास, पेंटिंग का सारा काम इस मशीन की वजह से हो रहा है। सिल्वर कलर जो व्हील को आने वाला है, सो ये कलर हम लोग अभी मारने वाले हैं। भाई का रोजा का टाइम भी हो रहा, भागना फटाक से, और ऐसे भी आज बहुत मतलब मगजमारी वाला काम था, काम बहुत ज्यादा आ गया था। अरे क्या कर रहा है, कलर का जियान कर रहा है, हो गया मतलब थोड़ा थोड़ा करके नमक कम तुमने, नमक ज़्यादा हो जाएगा ना भाई, ना तुम खाओगे ना हम खाएंगे। अब लो भी लो, अब उससे लग पूरा गाड़ी आधा पेंट हो जाएगा, इतना पेंट बना दिया। हाथ में गिर गया, हो गया चमक गए तुम। चलो अब काम पे लगो, धड़ 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 गन पकड़ रहे भाई, गन पकड़ा हूँ। हाँ छूटा तो पूरा कलर नीचे, पूरी दिन भर की मेहनत अभी जाती, वो देख थोड़ा फिर गिर ही गया। ढक्कन कहाँ है इसका, ये देखना इधर पेपर का है, ऐसा है भाई, ऐसा रहो ना, चलो काम पे लगो। तो पहले मार रहे हवा, तो एक वहाँ पे हो गया भाई, दो डबल डबल लेयर मार देना, कंजूसी मत करना, अपना है भाई। ये देखिए सुबह ये कैसा था, और अभी देखिए इसका कैसा रंग रूप हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। कुछ ये वाला मैक्विल जो था, मैक्विल नहीं ये भी थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ज़्यादा आपको दरार दिखेगा, लेकिन मजबूत है। ओके अब ये अच्छा दिखने लगा है, ये कि आज ये फिटिंग होना इम्पॉसिबल है। तो चारों यहाँ पर रेडी हो गए, अपना बम्पर भी रेडी हो गया, और वो हेलीकॉप्टर का पार्ट है उसको भी रेडी कर रहे हैं। सो 1 2 3 अब ये जब इसमें लग जाएगा, और ये सेट के साथ कांच भी लगाना, तो भाई कांच भी लगता है, कल लगेगा आज नहीं लगेगा। सो यहाँ पे शाम तो हो गई, आरिफ चले गया घर पे, तो एक लास्ट देखो, पूरे दिन भर ये गायब थे भाई, आज दिन भर बिल्कुल आए नहीं, बोले कि नहीं आज तो हम आएंगे नहीं, तो फाइनली अभी यहाँ पे थोड़ी सी मदद कर रहे हैं कि आरिफ को आराम मिले। तो ये हो गया ना, बस ख़त्म कर दो इसे, खाली आगे पीछे बम्पर पे लेकर मारना, उसके बाद तुम भी छुट्टी हम भी छुट्टी, ये काम खत्म, फिटिंग जो है कल परसों करेंगे। लास्ट स्टेप यहाँ पे जा रहा है, हम लोग मैट के ऊपर लेकर मार रहे, जो भी शाइनिंग मारेगा, एटली मैट पे कोई मारता नहीं है मैट पे, तो ये बस दो एक ही हाथ मारना है, शाइनिंग आ जाएगा। देखिए कैसे वहाँ पे अलग ही शाइनिंग आ रहा है, वहाँ पे शाइनिंग नहीं आ रहा, आपको फर्क दिख रहा होगा।
बस एक हाथ मारना आगे, यहाँ पे काम खत्म। इसके लिए आरिफ वापस आने वाला था घर से, लेकिन अभी वो नहीं आएगा, पर आना तो पड़ेगा। शॉप बंद करना है यहाँ पे। ये देखिए कैसा भी चमचमाने लगा, ऐसे झटपट हाथ मार रहे, और ये देखिए कैसे शाइनिंग आ रहा है उसमें। तो अगर ये नहीं मारते या ये आज छूट जाता तो एक दिन का और प्रोसेसर लेट हो जाता। तो हार्डली मतलब 10 मिनट का काम था, भाई साहब आए 2 मिनट में काम निपटा दिए। हाँ हो गया, एक हाथ इस पे ये देखो, ये रहा है, तो मार दो इस पे भी, ये अपना चॉपर का है। खत्म, बढ़िया चलेगा, काम ही यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो बाकी काम जो है आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, फिटिंग का। यहाँ पे चक्के फिटिंग होंगे, यहाँ पे कांच फिटिंग होगा, और गाड़ी जो है साफ़ होके बाहर जाएगी, और सीट कवर कब आएगा कहाँ से आएगा नो आइडिया, पर लगेगा ज़रूर। सो घर पहुँच गए, और हालत बहुत ख़राब हो जाता है काम करने में, ऐसे काम करने में। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कार का व्हील पेंट हो गया, बम्पर पेंट हो गया, अभी कल ये सब सारी चीज़ें फिटिंग होगी। अब स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग 2 दिन से सीट का, सीट वाला सब जो है दुकान बंद है। कोई कपड़े का दिखा रहे, हमें चाहिए लेदर का अच्छा वाला कि गाड़ी अच्छा दिखे। और अगर आप फेस देखोगे तो बाल बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गया यार, मतलब 45 डेज तो क्रॉस हो गया यहाँ पे। जल्दी से कुछ हालत ठीक करना पड़ेगा, वरना हम जल्दी किसी कबाड़ी वाले लुक में आ जाएंगे। तो इस लुक को बेटर करना है कि आप लोग पसंद करो, और